नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। यह पीएम मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 10वां संबोधन है। देश भर में आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। देश भर से बड़ी खूबसूरत और उत्साहित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्कूलों, प्रतिष्ठानों और सोसाइटियों, कॉलोनियों में भी धूमधाम आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। उन्होंने लोगों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि 15 अगस्त का दिन हम सभी के लिए गौरवपूर्ण और पावन दिन है। हमारा देश विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने दिल्ली वाले घर पर वायरल सब्जी वाले रामेश्वर से मुलाकात की है। उनके साथ लंच किया और उनसे खूब सारी बातचीत की। एक्स सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने सब्जी विक्रेता रामेश्वर की तस्वीर पोस्ट की है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों समाजवादी पार्टी बागी तेवर वाले नेताओं पर सख्त रवैया अपना रही है। पार्टी ने बगावत करने वाले समाजवादी लोहिया वाहिनी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप तिवारी समेत 3 नेताओं को सपा से निष्कासित कर दिया है। इन नेताओं ने सपा नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे। स्वतंत्रता दिवस पर महंगाई से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र की मोदी सरकार ने 15 अगस्त से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर बेचने का निर्देश दिया है। टमाटर बेचने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ को दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बाजार नियामक सेबी को अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया गया था और ये डेडलाइन समाप्त हो गई है। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि सेबी ने अपनी जांच पूरी करने और इसे कोर्ट में दाखिल करने के लिए 15 दिन का और समय दिए जाने की मांग की है। बिग बॉस ओटीटी 2 को उसका विनर मिल गया है। इस बार शो के विनर एल्विश यादव बने हैं। बिग बॉस ओटीटी 2 की ट्रॉफी और प्राइज मनी एल्विश यादव ने अपने नाम कर ली है। एल्विश ने अभिषेक मल्हान को मात देते हुए खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज दौरे पर टेस्ट और वनडे सीरीज जीता, हालांकि T20 सीरीज में हार झेलनी पड़ी। इसी वेस्टइंडीज दौरे पर तिलक वर्मा और ईशान किशन ने धमाल मचाया था। इसी प्रदर्शन के दम पर इन दोनों को वर्ल्ड कप और एशिया कप में एंट्री मिल सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज दिल्ली NCR के आसमान में बादल छाए रहेंगे और शाम के समय हल्की बारिश हो सकती है। वहीं IMD उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को भारी वर्षा से राहत के आसार नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।